टॉपिक है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मींस सॉल्यूशन हैविंग सेम साल्ट कंसंट्रेशन एज ब्लड और सेल, या कह सकते हैं टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, या वन सॉल्यूशन शुड बी आइसो ऑस्मोटिक विद द अदर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ पे यूज किए जाते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन एंड इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, देन वी कंसीडर द आइसोटोनिसिटी, ठीक है ना। तो जो हमारा इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है ऑप्थाल्मिक प्रिपरेशन, दैट शुड बी आइसोटोनिक। अदरवाइज इन केस ऑफ आई प्रिपरेशन, इट मे क्रिएट इरीटेशन इन टू द आई, एंड इन केस ऑफ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन इट मे कॉजेस श्रिंक और बस्ट द आरबीसी सेल, ठीक है ना। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हमारा सोल्यूशन जो होगा डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी, और कंसंट्रेशन कम है तो सेल क्या हो जाएगी, बस्ट कर जाएगी। अगर हम थ्रो इंजेक्शन रूट जो है इस तरीके का सोल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं अपन आगे इसके लिए थोड़ा सा। ये भी लेक्चर हमारा जो है प्रोफेसर एन के जैन सर की बुक से लिया गया है। थोड़ा सा हमने डॉक्टर एन के जैन सर, सॉरी एन के जैन सर, प्रोफेसर एन के जैन सर प्लस ए के गुप्ता सर, आर एम मेहता सर, इन सब की बुक को रेफरेंस लेकर के हम जो है लेक्चर अपना बनाते हैं। तो आप लोग भी इन सब की बुक, इन अच्छी बुक्स हैं, इनको आप फॉलो करिए, पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑप्थाल्मिक एंड इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, दैट शुड बी आइसोटोनिक, ठीक है ना। जब हम ऑप्थाल्मिक और इंजेक्टेबल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विद द टीयर सेक्रीशन, अदरवाइज प्रोड्यूस इरीटेशन इन टू द आई, ठीक है ना। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन अगर हमारा मींस टीयर सेक्रीशन के आइसो ऑस्मोटिक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उस सॉल्यूशंस को अगर जैसे हम आँख के अंदर इंस्टिल करेंगे वहाँ पे इरीटेशन होगा, ठीक है। दूसरे केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर यूजुअली आइसो ऑस्मोटिक एंड हेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं दूसरे ये आइसो ऑस्मोटिक होते हैं, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलगेटिव प्रॉपर्टी है एंड इज द क्राइटेरिया यूज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ टॉनिसिटी, और इसको हम एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी या टॉनिसिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जब भी हम ऑप्थाल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनाते हैं तो वो भी सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं ऑप्थाल्मिक के लिए, ऑप्थाल्मिक मतलब आई प्रिपरेशन, और इंजेक्टेबल जो आपकी पैरेंटल प्रिपरेशन होती है, वो सॉल्यूशन दोनों आपके आइसोटोनिक होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आइसोटोनिक नहीं होंगे तो आँखों में अगर हम उसको मींस यूज करते हैं, इंस्टिल करते हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन होगा, और अगर हम उसको इंजेक्शन रूट से देते हैं तो फिर क्या होगा, या तो सेल आपकी आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, या तो बस्ट कर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इफ़ द सॉल्यूशन, यहाँ देखिए आप, इफ़ द सोल्यूशन इज नॉट आइसोटोनिक देन इट मे बी पैराटोनिक। पैराटोनिक मीन्स आइदर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन मोर क्वान्टिटी ऑफ सोल्यूट देन द क्वान्टिटी रिक्वायर टू मेक इट आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जाहिर सी बात है कि उसमें जितना हमको आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है उससे कहीं ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी, तो इसलिए जब भी ये इस तरीके के सोल्यूशन एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो वो फिर आपकी सेल को या आँखों को नुकसान पहुँचाएंगे। अगर सेल मतलब कि थ्रो इंजेक्शन रूट देते हैं तो सेल श्रिंक कर जाएगी, और अगर आँख में डालेंगे तो वहाँ पे इरिटेशन होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कंटेन लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर रेंडर देम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बनाने के लिए इनको प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं बन रही है तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, आपके आइसोटोनिक नहीं सोल्यूशन बनते हैं। तो अगर इस तरीके के सोल्यूशन को हम वहाँ पे आँखों के अंदर या मींस इंजेक्शन रूट से देते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपकी आँख में इरिटेशन प्लस आरबीसी क्या हो जाएगी, बस्ट कर जाएगी,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों सेल का बराबर नहीं होगा तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमको जब भी हम ऑप्थल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बनाते हैं तो इसको हमको कंसीडर करना है कि सोल्यूशन दैट शुड बी आइसो ऑस्मोटिक विद टीयर सेक्रेशन और आइसो ऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। नाउ मेथड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, तो अगर हमारे पास इस तरीके के सोल्यूशन मान लीजिए मिल जाते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, दूसरा आपका मॉलिकुलर वेट मेथड है। फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, द लैक्रिमल सेक्रीशन कंटेन सेवरल सॉल्यूट्स इन इट एंड हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ -0.52°C। तो जो लैक्रिमल सेक्रीशन मतलब आपके आंसुओं का जो सेक्रीशन होता है उसमें बहुत सारे और भी सॉल्यूट होते हैं जिनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है -0.52°C, एंड ऑल सॉल्यूशन विच फ्रीज एट -0.52°C विल बी आइसोटोनिक विद द लैक्रिमल फ्लूइड। और ऐसे सभी सॉल्यूशन जिनका फ्रीजिंग पॉइंट 0.52°C है वो भी आपके क्या होंगे, लैक्रिमल सेक्रीशन के आइसोटोनिक होंगे, ठीक है ना, लैक्रिमल फ्लूइड से आइसोटोनिक होंगे। इसी तरीके से ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आल्सो फ्रीज एट -0.52°C, हेंस ऑल सॉल्यूशन हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट -0.52°C विल बी आइसोटोनिक विद द ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा। तो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा का भी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है -0.52। तो इस तरीके के जितने भी सॉल्यूशन जिनका फ्रीजिंग पॉइंट आपका -0.52°C होगा वो क्या होंगे आपके मीन्स ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से आइसोटोनिक होंगे, आइसो ऑस्मोटिक होंगे, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 1% सॉल्यूशन, जैसे हमको जो है इसको मतलब एक्सप्रेस करना है तो उसको हम 1% सॉल्यूशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। एंड क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द फ्रीजिंग पॉइंट विद द फैक्टर एंड द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंसेस। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट जो भी होता है आपका मीन्स, एक तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट टीयर सेक्रीशन ब्लड प्लाज्मा का यहाँ पता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा और एक फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना रहता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस है उसको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे फार्मूला दे रखा है, फार्मूला देख लीजिए आप। फार्मूला क्या है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टीयर सेक्रीशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंसेस। इस फार्मूले को आप जो है याद करिए। बाकी यहाँ पे टीयर सेक्रीशन का -0.52°C होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग इनकी आपको फ्रीजिंग पॉइंट दी रहेगी, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं तो जिससे आपको आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करनी है उसका यहाँ से आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर वेट मेथड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। तो जो भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है उस पर यह डिपेंड करता है फ्रीजिंग पॉइंट। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लोअर इज द फ्रीजिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, लोअर होगा, ठीक है ना। दस फ्रीजिंग पॉइंट इज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ग्राम पर ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा, ठीक है ना। और इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन, द वेट ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स मॉलिकुलर वेट, एंड ऑल्सो इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन। जो भी हमारा मीन्स इंग्रेडिएंट होगा उसके इफेक्टिव आयन आयनाइजेशन जो भी उसका होगा, उसके आयन जिस उसमें टूटते हैं उसका आयनी इफेक्टिव आयन कितने हैं, उसका वेट कितना है, जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं और उस इंग्रेडिएंट का मॉलिकुलर वेट क्या है, तो उन सब पे ये आपकी क्या होगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लें द कंसंट्रेशन ऑफ 0.9%
सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ NaCl, नंबर ऑफ इफेक्टिव आयन अपन मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl इक्वल टू आइसोटोनिक फैक्टर। तो इसको फार्मूला हुआ है जी इंटू एन अपॉन एम इक्वल टू आइसोटोनिक फैक्टर। अब यहाँ पे जी देखिए 0.9 पर ग्राम दिया गया है। मॉलिकुलर वेट आप निकाल लीजिए इसका सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम का 23 प्लस क्लोराइड का 35.5, तो इसका मॉलिकुलर वेट आपको मिल गया 58.5। इसके बाद इफेक्टिव आयन, तो Na और Cl में ये टूटेगा, तो N का वैल्यू N प्लस Cl माइनस, तो इसका जो इफेक्टिव आयन जो होंगे आपके दो होंगे। तो इसको आप पुट करिए फार्मूले में, यहाँ देखिए फार्मूले में हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया। तो वो पुट करने के बाद ये देखिए 0.9 इंटू 2 अपॉन 58.5 इक्वल टू आइसोटोनिक फैक्टर। तो आइसोटोनिक फैक्टर आपका मिल जाता है 0.03। तो दैट इज़ द आइसोटोनिक फैक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हमको निकालना हो तो आइसोटोनिक फैक्टर कितना हो गया 0.03। अब सपोज हमारे पास एक इंग्रेडिएंट के साथ कई एक्सिपिएंट हैं या कई और इंग्रेडिएंट हैं, तो उनका अगर हमको आइसोटोनिक फैक्टर या उनकी कंसंट्रेशन इस तरीके से निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज़ करते हैं। उसमें आप जो है इसको आइसोटोनिक फैक्टर इक्वल टू जी एन अपॉन एम इंटू जी वन एन वन अपॉन एम वन जी टू इंटू एन टू अपॉन एम टू जितने हैं आप एंड सो ऑन, वो आप इसको फार्मूले में पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद उनकी वैल्यू यहाँ पे आप रखते चलिए, तो आपको जो भी वो होगा मीन्स एडजस्टिंग सब्सटेंस का मीन्स मॉलिकुलर वेट मेथड से जिसका भी जो कंसंट्रेशन होगी आपको यहाँ से मिलती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो जी एन हमने बता ही दिया आपको, जी क्या है आपका ग्राम है, वेट इन ग्राम, एन क्या है इफेक्टिव आयन कंसंट्रेशन है, और एम क्या है मॉलिकुलर वेट। और इसके अलावा जो आपके जो आयनाइजेशन फैक्टर होते हैं ये डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, जैसे यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू अगर हमारे पास वन है तो यहाँ पे नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस होते हैं, जिसका एग्जांपल डेक्सट्रोज है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस है तो उसका इफेक्टिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, वन होगी। और ऐसे सब्सटेंस जो कि पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं तो उनका जो एन होता है वैल्यू, एन की वैल्यू वो होती है एन इक्वल टू 1.5। और जो हाईली आयनाइजेबल सोल्यूट होते हैं इन टू द टू आयन, वो आपके होते हैं एन इक्वल टू 2, और एन इक्वल टू 2 फॉर पार्शियली आयनाइजेबल सोल्यूट इन टू आयन, तो उनका जो होता है एन इक्वल टू 2 उनका भी होता है। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे जो इफेक्टिव आयन कंसंट्रेशन है वो आपकी दे रखी है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मीन्स लेकर के उनकी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करते हैं, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको आइसोटोनिसिटी में इतना ही पढ़ना है, आप उसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या हैं, आइसोटोनिसिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है अगर हम मीन्स ऑप्थल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन बना रहे हैं। इसके अलावा उनके मेथड कौन कौन से हैं, जैसे कि दो मेथड हमने बताया, ये आप यहाँ से एक फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, दूसरा जो है मॉलिकुलर वेट मेथड, शॉर्ट नोट में अगर आता है तो इसको आप इतना पढ़ लीजिए, इसको आप लोग लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए इसको, नेक्स्ट टॉपिक आपका एमल्सन है, उसको देखेंगे हम, ठीक है।